गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी भी सुबह हो रही है, 5:30 हो रहे हैं और चांद देखो, थोड़ा सा अंधेरा है ना तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है। लुक एट द बर्ड्स, गुड मॉर्निंग। अभी अभी सुबह हो रही है, लगभग 5:30 हो रहे हैं और इतनी अच्छी सुबह है मैं क्या बताऊँ। मतलब कैमरे भी इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है, बट वैसे बहुत सुंदर लग रहा है और थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है और चिड़िया चहक रही है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे आके बैठती हूँ और सनराइज़ देखती हूँ। वैसे सनराइज़ तो आई डोंट थिंक ही होगा बिकॉज बादल है, तो ऐसे ही थोड़ी देर मैंने सोचा कि आके बैठती हूँ, तो आई थॉट कि तुम लोगों को भी दिखाती हूँ कि एक्चुअली में सुबह होती कितनी सुंदर है। सनराइज हो रहा है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे। मेरे पास एक बुक आई है तो इसको खोल के देखते हैं, पर पहले मुझे लाना पड़ेगा सुसर। तो ये मैं लेके आ गई हूँ और अब चलो इसको खोलते हैं। तो ये है वो बुक जो मेरे पास अभी आई है, इसको मैं खोलती हूँ और पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको भी बताती हूँ। सो दिस बुक इज़ 30 ईयर टॉपिक वाइज UPSC सिविल सर्विसेज IAS प्रिलिम्स प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर 1 and 2। दिस बुक कंटेन्स द क्वेश्चंस फ्रॉम 1995 to 2024 एंड ऑथर्ड बाय मृणाल पटेल सर। दिस न्यू एडिशन इंक्लूड्स स्ट्रेटजी वीडियो टॉपर्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नोट्स एंड द सोर्सेज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस वर सेलेक्टेड। इस बुक के नए एडिशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। Part 1 स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टॉपर्स इंटरव्यूज, एंड Part 2 कंटेन GS पेपर 1 IAS प्रिलिम्स क्वेश्चंस विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7 units एंड 43 topics। टोटल 3,560 MCQs विद डिटेल्ड सोल्यूशन अलॉन्ग विद नोट्स। Part 3 कंटेन्स एप्टीट्यूड GS पेपर 2 CSAT के प्रिलिम्स के क्वेश्चंस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 1 unit and 9 topics में। टोटल 1,360 MCQs विद डिटेल्ड सोल्यूशंस। एंड Part 4 कंटेन्स ऑल द UPSC मेन्स क्वेश्चंस फ्रॉम GS पेपर 1 टू GS पेपर 4 फ्रॉम 2013 टू 2023, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डिवाइडेड टॉपिक वाइज। एंड दिस बुक ऑल्सो प्रोवाइड्स एसेज डिवाइडेड टॉपिक वाइज फ्रॉम 1993 टू 2023। द USP ऑफ द बुक इज इट्स फ्लॉलेस डिटेल्ड सोल्यूशंस टू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस हुज आंसर की हैज़ बीन वैलिडेटेड विद UPSC। Part 1 इंक्लूड्स एक्सक्लूसिव एंड यूनिक इनपुट्स टिप्स एंड आर्टिकल्स IAS प्लानर विच विल हेल्प यू प्लानिंग योर प्रिपरेशन फॉर प्रिलिम्स एंड मेन्स एग्जामिनेशन। अल्टीमेटली इस बुक से आपको समझ में आएगा UPSC IAS एग्ज़ाम्स, इसको क्रैक करने की स्ट्रेटजीज, प्रिलिम्स और मेंस को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू अटेम्प्ट मेंस एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस एंड हाउ टू राइट एसेज फॉर GS पेपर 4। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल है। इस बुक की सबसे खास बात ये है कि ये एररलेस है और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं।
और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप दिशा पब्लिकेशन से ये ओरिजिनल बुक खरीदेंगे तो इसके ऊपर एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप बहुत सारे प्राइजेस, अप टू 1 crore प्राइजेस जीत सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो यस, ये बुक मैंने पूरा देख लिया है। ये बुक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो सीसेट हो, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो। तो आई विल से कि यू मस्ट बाय इट। रही थी उसमें मैं पहले फेल्टी सॉल्व करने वाली थी, लाइक फुल लेंथ टेस्ट, बट क्या हुआ कि मुझे, मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ रही थी, वो जो सोलर सिस्टम वाला पार्ट है ना, क्योंकि सर ने भी वहीं से, मतलब मेंस के लिए हम लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं भी वहीं से ही पढ़ रही थी। तो मुझे वो उसका सेक्शनल टेस्ट दिख गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज सेक्शनल टेस्ट ही कर लेते हैं, फुल लेंथ टेस्ट कल करेंगे, फिर रात में देखेंगे। तो मैंने ज्योग्राफी का वही सोलर सिस्टम वाला जो सेक्शनल टेस्ट था वो किया है, बाकी मैं फुल लेंथ टेस्ट भी करूँगी। तो जब फुल लेंथ टेस्ट तो आज तो नहीं किया, लेकिन जिस दिन करूँगी, मतलब कल करूँगी, आई विश कि कल करूँ, तो फिर मैं कल उसको दिखाऊँगी। गाइज, यू नो वॉट, मैं ना वीडियो अभी थोड़ा लेट लेट डाल रही हूँ। मैंने बहुत बार ऐसे खुद से प्रॉमिस किया कि मैं डेली डालूंगी, पर हो नहीं पा रहा है। तो मैं एक चीज़ बोल रही थी कि वो जो मैंने बात की थी आंसर राइटिंग के लिए, तो अभी मैंने बताया था ना ज्योग्राफी में मेरी 6 क्लास है, वो ख़त्म होने के बाद भी मैं ज्योग्राफी के बारे में पूरा बात करूँगी। तो जीएस पेपर 1, जैसा कि जिसे पता होगा, जिसे नहीं पता होगा, वो ऐसा है कि मैं पहले जीएस पेपर 1 की क्लासेस कर रही हूँ, आंसर राइटिंग का कर रही हूँ, फिर जीएस पेपर 2, फिर 3, और अलॉन्ग इन सब के साथ साथ एथिक्स की हमारी क्लासेस चल रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा एथिक्स के बारे में बताओ, जीएस पेपर 1 के बारे में बताओ, आंसर राइटिंग के बारे में बताओ। तो यार थोड़ा सा यू नो, अभी क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से मतलब सारे चीज बहुत पीछे हो जा रहा है, बट हम बहुत जल्दी जल्दी इसके बारे में बात करेंगे। बस एक दो दिन रुको, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तुम लोग मुझे ये बताना कि तुम में से कौन कौन से लोग ऐसे हो जो पीसेस दे रहे हो, अपकमिंग जो पीसेस है उसको दे रहे हो। बाकी यू नो, मुझे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताना कि कैसे क्या करना है, सो दैट मुझे हेल्प हो, बिकॉज पीसेस के बारे में मुझे एज सच अंदाजा नहीं है। वैसे मैंने PYQ देखा है, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बस मुझे बताना कमेंट करके कि, जैसे मैं अभी पीछे पूछी थी ना कि पेपर 2 में हिंदी वगैरह पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताना। अच्छा कोई चैनल हो तो उसके बारे में भी बता सकते हो, ताकि मैं वहाँ से पढ़ लूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर, मैं तुम लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, ज़रूर बताना। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna.
what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ओके गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस ब्लॉग. आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा. बाकी अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना. इट विल हेल्प मी. ओके, सो हम फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय. अपना ध्यान रखना. बाय.